ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम बाबा के दिल तख्त नसीब बच्चे हैं, बाबा के दिल तख्त पर हमारा अधिकार है। जो आत्माएं जितना लंबा समय इस दिल तख्त पर नसीब रहती हैं, वे उतना ही ज्यादा समय राज अधिकारी बनती हैं। ऐसा नहीं कि जो एक बार भगवान के दिल पर बैठ गया तो सदा ही बैठा रहेगा। यदि कोई भी अपवित्रता आती है, यदि वो यज्ञ में विघ्न डालते हैं, यदि वो बाबा के कार्यों को अपना कार्य नहीं समझते, यदि उनमें अहम आ जाता है, तो वो आत्माएं स्वतः ही दिल तक से नीचे उतर आती हैं, मिट्टी में आ जाती हैं। भगवान की छत्र छाया उनसे हट जाती है। वो भले ही बहुत खुश हो कि हमने बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया, हमने इसको धोखा दे दिया, देखा हम कितने तेज बुद्धि हैं, परंतु भगवान ऐसी आत्माओं को पसंद नहीं करते। बाबा तो चाहते हैं मेरे हर बच्चे के चेहरे से और चलन से, अर्थात स्थिति से, सबको बाबा का साक्षात्कार हो। क्योंकि देवकुल की आत्माएं जिनमें देवत्व था, जिनमें पवित्रता थी, वो सब हमारी पवित्रता और देवत्व की ओर आकर्षित होकर ही बाबा के पास आएंगे। ज्ञान सुनाना भी उत्तम चीज है, परंतु बहुत सारी आत्माएं केवल ज्ञान सुनकर ही नहीं आ पाती, क्योंकि उसमें उनको बुद्धि का अभिमान आड़े आता है। परंतु यदि वो हमारा चेहरा खुशनुमा देखते हैं, जब वो देखते हैं कि कार्य क्षेत्र में तो ये भी हैं, लेकिन बहुत सरल चित्त हैं, जब वे देखते हैं कि इसी दुनिया में ये भी रहते हैं जो तनाव और समस्याओं से भरी हुई दुनिया है, लेकिन ये तनाव मुक्त हैं, बहुत रिलैक्स हैं। वो देखते हैं कि उल्टी सीधी बातें तो इनके जीवन में भी आती हैं, पर ये कभी अपनी खुशी को नहीं छोड़ते, तो आत्माओं को आकर्षण होता है। उन्हें प्रतीत होगा यही हमारा उचित स्थान है, और इस तरह सेवाएं भी बढ़ती जाएंगी। चाहे आप गीता पाठशाला चलाते हैं, चाहे कहीं आप सेवा के निमित्त हैं, चाहे आप अपने लौकिक में है, लेकिन याद रखेंगे आपका खुशनुमा चेहरा, तनाव मुक्त चेहरा, सरलता से और पवित्रता से भरपूर चेहरा देवकुल की आत्माओं को आकर्षित करेगा, आपके परिवार का भी कल्याण करेगा, परिवार की सभी समस्याओं का निदान, बच्चों की सभी उलझनों का निदान आपके श्रेष्ठ वाइब्रेशन से ही होंगे। ऐसे ही स्थिति, अपनी स्थिति को महान बनाकर रखना है। स्थिति माना स्वयं के स्वरूप में स्थित होना, स्थिति माना बाबा के साथ अपने धाम में स्थित होना, अपने निश्चय में स्थित रहना, स्थित प्रज्ञ होकर रहना, अर्थात बुद्धि को स्थिर रखना। ये सब चीजें हमारी स्थिति को महान बनाने वाली हैं। और बिल्कुल सरल स्वरूप, ऐश्वर्यी होने का अभ्यास करना, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होना, और साथ साथ आत्मिक स्वरूप का ही दूसरा स्वरूप है श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहना। स्वमान में स्थित रहना कंपेरेटिवली बहुत ही इजी है, केवल हम स्वीकार करते चलें, मैं कल्प कल्प का विजयी हूँ, तो विजय सरल होती जाएगी। मैं एक महान आत्मा हूँ, तो महानताएं जीवन में समाती जाएंगी। मैं पवित्रता की देवी हूँ, पवित्रता जीवन का श्रृंगार बनती जाएगी। मैं तो मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, तो शक्तियों से हम संपन्न होते जाएंगे। तो सभी अपनी स्थिति पर भी बहुत ध्यान देंगे, और अपनी खुशी जो चेहरे से झलकती है उस पर भी बहुत ध्यान देंगे। तो आइए आज सारा दिन हम अपने चेहरे को ऐसा दिव्य दर्पण बनाएं जिसमें भगवान दिखाई दे। इसके लिए
बाबा का हर घंटे में एक बार आह्वान करेंगे। हमारे आह्वान करते ही बाबा आ जाएंगे, उनको उतरते हुए देखेंगे, बाप दादा दोनों को, और अनुभव करेंगे कि आते ही उन्होंने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है और मुझे दृष्टि दे रहे हैं और कह रहे हैं वाह बच्चे वाह। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।